बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट की कुछ हम एग्जांपल भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये एग्जीक्यूट करती है। इट इज़ यूज्ड टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। यूजली वेरिएबल जो हैं वो एक्स वाई जी ए बी वगैरह से आप डिनोट करते हैं और उनको साइन करने के लिए जो स्टेटमेंट दी जाती है उसे हम लिखते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं ये सिंबल है। इसका मतलब ये होता है कि आपने असाइन किया है और ये याद रखें कि आपके जो एल्गोरिदम्स हैं जिनकी मदद से आप प्रोग्रामिंग करेंगे उनमें असाइनमेंट स्टेटमेंट्स का बहुत अहम रोल है। वहाँ भी आप असाइनमेंट करेंगे, वेरिएबल को असाइन करेंगे और वो एग्जीक्यूट करेगा। इसको समझने के लिए अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट किस तरह फंक्शन करती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल देखें और इसको देखें कि आपने इसको पढ़ना कैसे है और फिर इसका आपने आंसर क्या देना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स आफ्टर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? इफ 2+3 इज इक्वल टू 5 देन एक्स इज असाइन टू एक्स प्लस 1। इसको पढ़ना कैसे है? एक्स इज असाइन टू एक्स प्लस 1। इफ एक्स इज इक्वल टू 0 बिफोर द स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड। क्या क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है वेरिएबल की एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू स्टेटमेंट से पहले उसने क्या दी हुई है? 0। स्टेटमेंट से पहले एक्स की वैल्यू 0 है, स्टेटमेंट के बाद आपने बताना है एक्स की क्या वैल्यू है। क्लियर हो रही बात? स्टेटमेंट से पहले एक्स की वैल्यू 0 हो तो स्टेटमेंट के बाद क्या वैल्यू होगी कोई बता सकता है? अच्छा, मैं इसको एक और बात कर लूँ, इसी का बी पार्ट भी ले लेता हूं। इफ 2+3 इज नॉट इक्वल टू 5 देन एक्स इज असाइन टू एक्स प्लस 2। अब दो डिफरेंट फॉर्म्स आपके सामने आ गई, आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कैसे करना है। जी बताएंगे? इस केस में एक्स का आंसर क्या होगा आफ्टर द स्टेटमेंट और इस केस में एक्स का आंसर क्या होगा आफ्टर द स्टेटमेंट। देखें अब जरा, चूंकि भी आपको प्रॉब्लम हो रही है मैं समझा देता हूं आपको। क्या 2+3 5 है? अगर ये हो तो आपने साइन करना है एक्स को एक्स प्लस 1। तो क्या ये है? yes. तो फिर एक्स को एक्स प्लस 1 असाइन हो जाएगा। yes. तो एक्स की वैल्यू फिर क्या आएगी आफ्टर द स्टेटमेंट? 1। पहले क्या थी? 0। अब वो 0+1 हो जाएगा। इस केस में आप कहते हैं सिंस 2+3 इज इक्वल टू 5 इज ट्रू सो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू 0+1 दैट इज 1। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन किसके पर डिपेंड करती थी? इस बात को, तो वो तो ट्रू है, ये होता तो आगे चलना था। इस केस में क्या होगा? 2+3 5 के बराबर नहीं है, ये तो फॉल्स है ना। अब ये फॉल्स है तो आप ये एक्स को असाइन नहीं करेंगे, एक्स विल नॉट बी असाइन टू एक्स प्लस 2। एक्स की फिर ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो एज इट इज रहेगी। एक्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी?
वो जीरो की जीरो रहेगी। बी पार्ट में आप क्या करेंगे, सिंस 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5 इज फॉल्स, सो स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड एंड द वैल्यू ऑफ एक्स रिमेन्स जीरो। जहां से वैल्यू एक्स की स्टार्ट हुई थी वैसी की वैसी रही। अच्छा, अब असाइनमेंट स्टेटमेंट्स की कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स की कुछ और एग्जांपल्स देखें। यहां देखें कि एक्स की इनिशियल वैल्यू 1 दे दी गई है और आपसे कहा गया है इफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 देन एक्स इज असाइन टू एक्स प्लस 1। तो आप यहां पे मुझे अब बताएं कि इस असाइनमेंट स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद एक्स का आंसर क्या आएगा। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 यहां पुट करता हूं तो 1 + 3 3 के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जो है ये असाइन नहीं हो सकेगी, असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी। असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे जो एक्स की वैल्यू थी वही आपके पास एक्स की वैल्यू रहेगी। जो सेकंड पार्ट है इफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4 देन एक्स इज असाइन टू एक्स प्लस 1। एक्स की वैल्यू अगर हम 1 यहां पुट करते हैं 1 + 3 = 4 आता है तो एक्स ये असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जहां एक्स की जगह 1 पुट कर दिया जाएगा वही वाला, और एक्स की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। यानी ये पहले का आंसर आ गया कि एग्जीक्यूशन नहीं हुई तो एक्स की वैल्यू 1 ही रही। यहां एग्जीक्यूशन हो गई है तो एक्स की वैल्यू 1 नहीं अब रहेगी, इस असाइनमेंट स्टेटमेंट के मुताबिक वो चेंज हो जाएगी, असाइंड वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 1 1 + 1 दैट गिव्स यू 2। यहां तक दोनों पार्ट्स आपको समझ आ गए हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट कब होती है और कब नहीं होती। यहां चलते हैं थर्ड पार्ट में। ये आप मुझे बताएं, कोई आंसर दे कि ये क्या कह रहा है, 2x + 1 इज इक्वल टू 3 और x + 2 इज इक्वल टू 4 देन। इसको अगर आप पढ़ेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट को तो क्या पढ़ेंगे, इफ 2x + 1 इज इक्वल टू 3 और x + 2 इज इक्वल टू 4 देन, ये आपने पढ़ना है। बताएं जरा इसका आंसर क्या आएगा, ये आप सब लोग जरा अपने अपने आंसर्स निकाल के मुझे बताएं, फिर मैं आपसे आगे पूछता हूं। जी आप ये कह रहे हैं कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं करती, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं करती तो एक्स की वैल्यू तो वही रहनी है जो स्टार्ट वाली है। अब आप ये बताएं कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्यों नहीं करती, ठीक है। अच्छा जी, अब ये था कि यहाँ अभी तक आपसे कोई जवाब नहीं आया, एक जवाब आया कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती, उसकी रीज़न आप ये बता रहे हैं कि एक्स की जगह यहाँ पुट करें 2 + 1 3 3 के बराबर है। यहाँ आप कह रहे हैं मसला है कि यहाँ एक्स की जगह 1 पुट करें तो 1 + 2 3 होता है, 3 4 के बराबर नहीं है, चूँकि ये यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा इसलिए आप कह रहे हैं एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक है। कोई बच्चा इनसे डिसएग्री करता है? जी बेटा, जी बिल्कुल, शाबाश। फिर एग्जैक्टली देखें, ये सिंबल देखें,
ये एक प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन बन जाएगी जब एक्स की वैल्यू डाल दी जाएगी। आप एक्स की वैल्यू डाल के ही देख रहे हैं ना कि एग्जीक्यूशन होनी है कि नहीं होनी। एक्स की कौन सी वैल्यू डाल के आप देख रहे हैं? ये वाली। तो एक्स की वैल्यू जब इसमें डाल देंगे तो ये प्रपोजिशन बन जाएगी, चूंकि इसकी ट्रुथ वैल्यू आपको पता होगी। ये भी प्रपोजिशन बन जाएगी, इसकी ट्रुथ वैल्यू आपको पता होगी। एक्स की वैल्यू वन डाल के, इसकी एक्स की वैल्यू वन डालते हैं तो थ्री इज इक्वल टू थ्री आता है, इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। इसमें एक्स की वैल्यू वन डालते हैं तो वन प्लस टू थ्री आता है, जो कि फोर के बराबर नहीं है। ये भी प्रपोजिशन है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। अब ये एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन गई है वाली, एक्स की वैल्यू वन डालने से ये कंपाउंड प्रपोजिशन बन गई, एक प्रपोजिशन और दूसरी ये। और ये कंपाउंड प्रपोजिशन कौन सी है, इसका क्या नाम है? डिसजंक्शन। और है ना बीच में। तो ये जो अब ये सारी जो ये जो प्रपोजिशन बनी, ये सारी की सारी, क्या ये ट्रू है कि नहीं है? ये ट्रू है, क्योंकि इसमें तो दोनों का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। इसमें तो किसी एक का ट्रू हो जाने से कंपाउंड प्रपोजिशन ट्रू हो जाएगी। तो जो शुरू में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो अब पता, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये तो कंपाउंड प्रपोजिशन है और इस एक भी ट्रू हुई इसमें से तो ये ट्रू हो जाएगी, लिहाजा ये ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट कर जाएगी। एग्जीक्यूट कर जाएगी तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन डाल दी जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? तो बस इतना सा मसला। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यहाँ अब आपको सारा समझ आ गया है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी क्योंकि ये कंपाउंड प्रपोजिशन है और ये कंपाउंड प्रपोजिशन एक ही सूरत में ट्रू होनी है जब दोनों ट्रू हों। नहीं नहीं, दोनों फॉल्स हों तब भी नहीं, ये एंड है, ये कंजंक्शन है। इन दोनों का क्या है? ये कंजंक्शन। तो ये दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, तो ये ट्रू नहीं है लिहाजा एग्जीक्यूशन नहीं हो सकेगी। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? यानी ये आपके पास एक्स की वैल्यू बन रही है। अब मुझे उम्मीद है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। एक इशू देखें आप, क्या हो रहा है, ये सारा कनेक्टिंग कनेक्टेड है। अगर किसी को इस सिंबल का नहीं पता तो वो आगे नहीं चल सकेगा, अगर किसी को इसकी ट्रूथ वैल्यू का नहीं पता तो आगे नहीं चल सकेगा। इसी तरह इसका नहीं पता, अब मैं इसी को चेंज कर दूं, यानी मैं इसी को कह देता हूं इफ 2x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, 2x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्सक्लूसिव और, यही सिंपल था उसका, x प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, देन x इज असाइन टू x प्लस फाइव। अब बताएं अब क्या होगा? अब ये वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सेवन का पार्ट नहीं है, मैंने वैसे खुद से लिख दिया। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन सेवन का ये पार्ट है कि नहीं, मैंने बुक नहीं देखी, ये जस्ट मैंने उसी को सामने रख के बना दिया। अब आप बताएं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स क्यों कहेंगे बताएं? यस, देखिए अब इनको इसका ये जो एक्सक्लूसिव और था, इसकी डेफिनेशन का और इसके ट्रूथ टेबल का पता है, तो उन्होंने बता दिया एक्सक्लूसिव और जो है वो दोनों में से एक ट्रू हो तो ट्रू होता है। ये दोनों ट्रू हैं, एक्स की वही वैल्यू वन है, ये क्या बनती है? टू प्लस वन थ्री, और ये भी वन प्लस टू थ्री। अब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लिहाजा ये जो स्टेटमेंट एक्सक्लूसिव और है ये फॉल्स होगी, तो एग्जीक्यूट नहीं हो सके, एग्जीक्यूशन नहीं होगी। एक्स की वैल्यू फिर वही रहेगी, क्या रहेगी? वन की वन रहेगी, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं सारे, तो जारी बात है, हम वो तो आपकी एक प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, तो इनमें ऐसा भी नहीं है कि जैसे आपने इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में कोई कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन आपकी फंस जाएगी, तो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट वाइज है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो आप ट्राई करें, मैं बताता हूँ कितने आपने करने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है वो हम डिस्कस करते हैं।
अब ये तो हो जाएंगे कि अगर किसी को इशू है तो बताएं। असाइनमेंट स्टेटमेंट का समझ आ गई कि असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कब होती है और कब नहीं होती, दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं। तो बस अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस यानी कंडीशनल्स। अभी इनमें हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वही वो मांग रहा है। कंडीशनल ये है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 देन 2 इज लेसर देन 1। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये एक्स नहीं 3 है, ये वाला 3 है। चलें, इफ 3 वो एक्स इज ग्रेटर देन 1 होता तो फिर तो ये प्रपोजिशन ही ना होती, क्योंकि उसकी ट्रूथ वैल्यू पता ना होती। तो पहले तो ये कंडीशनल है। अब आप मुझे इसका सबसे पहले बताएं इनवर्स क्या होगा। कंडीशनल आ गया इफ पी, इफ 3 ग्रेटर देन 1 देन 2 लेस देन 1। कोई बताए इसका कन्वर्स क्या होगा। जी याद है कुछ के नहीं याद? अच्छा, आपको याद करवाने के लिए कि अगर कंडीशनल हो P implies Q तो इसका कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स इसका ये होता है, तो फिर क्या आपको बता नहीं देना चाहिए इसका कन्वर्स, यानी इफ 2 इज लेसर देन 1 देन 3 इज ग्रेटर देन 1, ये होगा। अच्छा चलिए, अगर आपको मसला है तो ये पी है ना, यहाँ पे ये बेसिकली पी है, ये पी है और ये क्यू है, और ये टोटल क्या बनता है, पी इम्प्लाइज क्यू, जो आपका हाइपोथेसिस है वो पी है और जो कंक्लूजन है वो क्यू है। तो कन्वर्स में सिर्फ इतना होना है, उन्हें रिवर्ट हो जाना, हाइपोथेसिस ने कंक्लूजन बन जाना है और कंक्लूजन ने, तो क्या ये ठीक नहीं है? ठीक है, वो एक लहदा मसला है कि इस कंडीशनल की ट्रूथ वैल्यू क्या है, वो तो हमारा इशू नहीं है, ना उसने अभी पूछा है, हम उसके ऊपर भी चले जाएंगे। अभी तो सिर्फ उसने पूछा है कि कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मालूम करें। बहरहाल अगर आप कहते हैं तो इसकी ट्रूथ वैल्यू का भी पता कर लेते हैं। क्या ये ट्रू है कंडीशनल? जी यस, भी कुछ बच्चे कह रहे हैं, बता दें कौन कह रहा है। वैसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन हम चलें फॉर द सेक ऑफ आवर नॉलेज के इसकी ट्रूथ वैल्यू भी कर लें। ये कंडीशनल है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है। चले बहरहाल, ये आप देखें ना, ये आपका कंडीशनल है जिसमें आपका हाइपोथेसिस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। अब इसका जो कन्वर्स आपने मालूम किया है उसके बारे में क्या कहते हैं? इसका जो इसमें आपके पास जो आया है हाइपोथेसिस वो फॉल्स है और कंक्लूजन ट्रू है, तो ये ट्रू होगा, याद करें आप। जो कंडीशनल है वो तो फॉल्स एक ही जगह पे होता है, कहाँ पे? जहाँ पे हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। तो इस केस में तो आपका हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, आगे तो बात चलेगी नहीं ना। हाइपोथेसिस ट्रू होता तो फिर हम कंक्लूजन देखते, तो हाइपोथेसिस ट्रू ना हुआ तो फिर तो आंखें बंद करके आपने इम्प्लीकेशन को कह देना है कि ये ट्रू है। नेक्स्ट, ये कन्वर्स हो गया। इनवर्स के बारे में क्या कहते हैं आप?
जी इनवर्स याद करें क्या था इनवर्स, ये तो हो गया जी निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ये है इनवर्स। यानी इस केस में आपने आपके पास क्या आना है, निगेशन पी इम्प्लाइज, यहाँ इस हालत में आपको कन्वर्स इनवर्स मालूम करने मुश्किल लग रहे थे, अगर आप इसको सिंबलाइज कर दें पी इम्प्लाइज क्यू तो फिर बड़ा आसान हो जाता है। अब आपने लिखना क्या है, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, पी आपका ये है, अब इसकी निगेशन क्या होगी, ये तो कह रहा है थ्री ग्रेटर देन वन, तो क्या कहेंगे, इफ थ्री लेस देन वन क्या इक्वालिटी भी नहीं आ जाएगी, इसकी निगेशन में इक्वालिटी नहीं आ जाती क्या, नहीं आती, इसको निगेट करना है और इसकी इसकी निगेशन लेने से वापस वन आ जाएगा, दो रियल नंबर्स का कंपैरिजन है ना, दो रियल नंबर्स हैं जिनका पहले से पता है, एक थ्री और एक वन है, उनका कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन दो रियल नंबर्स का तीन तरह से होता है, एक दूसरे से बड़ा हो या एक दूसरे से छोटा हो या उसके बराबर हो, तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीन में से उसने एक दी हुई है, निगेशन में जो रह गई है वो आ जाएंगी, निगेशन में आपके पास दोनों आ जाएंगी। अच्छा जी आगे देन टू इज ग्रेटर इक्वल टू वन, ये इनवर्स हो गया, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, जी बताएंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या था, उसका ऑर्डर भी रिवर्स होता है और साथ ही साथ निगेशन भी आती है, तो वो आएगा निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, यानी इसको उल्ट कर देना आपने, क्या हो जाएगा, इफ टू इज ग्रेटर इक्वल टू वन देन थ्री इज लेसर इक्वल टू वन, बात क्लियर होगी, ट्रू क्या, ट्रूथ वैल्यू वो भी लिख लेते हैं, वो तो मैंने आपको वैसे बताया था कि ट्रूथ वैल्यू हम उसने मांगी नहीं हुई, अब वैसे हम लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, किस किस की नहीं लिखी, ये देखें ये भी फॉल्स ही है ना, ये आपका जो हाइपोथेसिस है फॉल्स है, वो फॉल्स हुआ तो बस फिर वो ट्रू हो गया, यहाँ हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ मसला है, अगर हाइपोथेसिस आपका ट्रू है देन वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंक्लूजन, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द आंसर, चूंकि ये ट्रू है, ये ट्रू है वैसे, नहीं फॉल्स नहीं है ट्रू है, वो बोला कैसे है, इसमें से एक चीज़ तो होल्ड हो रही, ये ग्रेटर आर इक्वल टू वन, ये कहता है कि टू ग्रेटर देन वन हो तब भी ठीक है, टू इक्वल टू वन हो तब भी ठीक है, लेकिन टू इक्वल टू वन मतलब दोनों चांसेस थे, दोनों में से एक चांस एक वक्त में लेना है, तो दोनों में से एक चांस हमारे पास एक है कि टू ग्रेटर देन वन है, ये ट्रू है लेकिन इधर काम खराब है ये फॉल्स है, थ्री ना तो लेसर देन वन है ना इक्वल टू वन है, लिहाजा इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स आएगी। अच्छा भी क्विकली आप सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं हम, वन इफ वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री देन कैट्स कैन फ्लाई, तो क्या होगा इसका कन्वर्स, इफ कैट्स कैन फ्लाई देन वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, ये और इनवर्स क्या होगा, इफ वन प्लस वन इज नॉट इक्वल टू थ्री देन कैट्स कैन नॉट फ्लाई, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, इफ कैट्स कैन नॉट फ्लाई देन वन प्लस वन इज नॉट इक्वल टू थ्री, हो गया। अगला इफ आई बाई अ प्राइज बॉन्ड आई विल विन द प्राइज, जी कन्वर्स, आई विल विन द प्राइज इफ आई बाई अ प्राइज बॉन्ड,
ये कन्वर्स है उसका, और इनवर्स जी बोले शाबाश, आई विल नॉट बी विन द प्राइज बॉन्ड इफ आई नॉट बाई द प्राइज बॉन्ड, और फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव चलें ये आपके लिए छोड़ते हैं, इसको मुकम्मल करके लाएं।